हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट रेस्टोरेशन प्रोज। इससे पहले हम ड्राइडन के बारे में सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस हमने रेस्टोरेशन पोएट्री को भी कंप्लीट कर लिया, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट कर ली। तो आज हम बात करेंगे रेस्टोरेशन प्रोज के बारे में। तो मैं टॉपिक यहाँ पर लिख देती हूँ, रेस्टोरेशन प्रोज। अब रेस्टोरेशन प्रोज में जितने भी प्रोज राइटर रहे हैं उसकी लिस्ट मैं एक बार बता देती हूँ। जॉन बुनियन, सर विलियम टेम्पल, ठीक है, जॉन लॉक, लॉर्ड हैलिफैक्स, जॉन, हाँ लोग हमने कर लिया, जॉन पिलॉटसन। And the last one is Thomas Hobbes. अब ये जो है ये प्रोज राइटर हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। इसमें से हम सेपरेटली पढ़ेंगे आज जॉन बनियन के बारे में, और जो भी रेस्ट प्रोज राइटर है इनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इनके लिए सेपरेट वीडियो की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है सर विलियम, जॉन बनियन, सर विलियम टेम्पल, जॉन लॉक, लॉर्ड हैलिफैक्स जिसको आप जॉर्ज सेवाइल के नाम से भी जानते हो, एंड जॉन टिलॉटसन, मैं स्पेलिंग एक बार ठीक से लिख देती हूँ, टी आई है, कुडवर्ड एंड थॉमस होब्स। ओके, तो आज बात करते हैं जॉन बनियन के बारे में। जॉन बनियन जो इनका लाइफ स्पैन है दैट इज 1628 to 1688। He was born in a village called Elstow near Bedfordshire। और जो भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की वो इसी विलेज से की थी, ये कभी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। ओके, एट द एज ऑफ 16 ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री आर्मी, एंड एट दैट टाइम जब इन्होंने पार्लियामेंट्री आर्मी को ज्वाइन किया था तो उसी टाइम पे, पी ए मतलब पार्लियामेंट आर्मी, तो उस टाइम पर इंग्लिश सिविल वॉर का फर्स्ट स्टेज चल रहा था। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सिविल वॉर था क्या, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, दो मिनट भी नहीं लगेगी उसमें। इंग्लिश सिविल वॉर दैट हैपेंड बिटवीन 1642 to 1651, ये तीन स्टेज में हुआ था, 1642 to 1646, 1648 to 1649, 1649 to 1651। ये जो सिविल वॉर है ये सीरीज किसके बीच में थी? इट हैपेंड बिटवीन टू पॉलिटिकल मैकेनाइजेशंस। एक तो थे राउंड हेड्स जिसको आप पार्लियामेंटेरियंस बोलते हो, पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, और जो दूसरी थी वो कौन सी पार्टी है, दैट इज रॉयलिस्ट जिसको आप कैवेलियर्स बोलते हो। तो जो भी ये सिविल वॉर थी, ये सिविल वॉर एक सीरीज है वॉर की या पॉलिटिकल मैकेनाइजेशंस की दो पार्टीज के बीच में, राउंड हेड्स कैवेलियर्स, राउंड हेड्स को आप बोलते हो पार्लियामेंट्स और रॉयलिस्ट को आप बोलते हो कैवेलियर्स, ठीक है, तो पार्लियामेंट्स और रॉयलिस्ट के बीच में ये एक सीरीज है वॉर की। अब ये तीन स्टेजेस में हुई थी, 1642 से लेके 1646 और जो 1648 से लेके 1649, ये जो दोनों स्टेजेस हैं, ये दोनों स्टेजेस की जो वॉर है वो किसके बीच में हुई थी? ये दो स्टेजेस हुई थी, एक तो उन सपोर्टर्स के बीच में जो चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे और जो लॉन्ग पार्लियामेंट में थे। ये जो दोनों स्टेजेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड दैट हैपेंड बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स वन एंड द सपोर्टर्स ऑफ लॉन्ग पार्लियामेंट, और जो ये थर्ड स्टेज है दैट हैपेंड बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स टू एंड रंप पार्लियामेंट। ओके, तो ये हुई थी लाइक चार्ल्स वन और लॉन्ग पार्लियामेंट, और ये हुई थी चार्ल्स टू और रंप पार्लियामेंट। तो जो भी दोनों के सपोर्टर रहे हैं उनके बीच में ही सिविल वॉर की सीरीज है। तो जब ये 16 के एज के थे तब इन्होंने जब पार्लियामेंट्री आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया था उस टाइम पर ये वॉर चल रही थी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अब इन्होंने पार्लियामेंट्री आर्मी में जॉन बनियन ने अपने 3 साल दिए और यहाँ पर 3 साल अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स ही केम बैक टू हिज ओन विलेज एंड ही टुक अप द ट्रेड ऑफ टिंकर। अब ये जो टिंकर का प्रोफेशन था ये इन्होंने अपने फादर से ही सीखा था क्योंकि इनके फादर भी टिंकर थे। अब इसके बाद इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद ये थोड़े से रिलीजन हो जाते हैं। अब
जब ये थोड़े से रिलीजियस हो जाते हैं उस टाइम पर इन्होंने बेडफोर्ड में एक मीटिंग हुई थी नॉन कन्फर्मिस्ट ग्रुप की. नॉन कन्फर्मिस्ट ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया, उस सेट को इन्होंने ज्वाइन किया, नॉन कन्फर्मिस्ट सेट. अब ये जो लोग थे ना ये क्या करते थे, ये प्रीचिंग करते थे बट इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता था, ये अनलाइसेंस्ड प्रीचिंग किया करते थे. तो जब इन्होंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया तो ये प्रीचिंग करने लगे थे जॉन बनियन. तो उस टाइम पर क्या हुआ था, मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ था, ठीक है. तो मोनार्की का जब रेस्टोरेशन हुआ तो जितनी भी फ्रीडम नॉन कन्फर्मिस्ट सेक्ट के लोगों को थी उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई थी. तो इनकी जो प्रीचिंग थी उसको रोकने के लिए दबाव बनाया गया. तो उसमें से जॉन बनियन ये थे, इन्होंने कहा कि ये गिव अप नहीं करेंगे प्रीचिंग को, और इसी वजह से जॉन बनियन को 12 साल की जेल भी हुई थी, ठीक है. तो जब मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ उस टाइम पर नॉन कन्फर्मिस्ट ग्रुप की सारी फ्रीडम को छीन लिया गया, और जब इनकी फ्रीडम को छीना गया तो बुनियन को कहा कि प्रीचिंग छोड़ दो, तो बुनियन ने गिव अप करने से मना कर दिया. तो इसी वजह से जॉन बनियन को 12 साल की 12 ईयर्स तक इनको इम्प्रीजन किया गया और ये जेल में रहे थे. अब इस 12 साल जब ये जेल में रहे उस टाइम पर इन्होंने अपना एक वर्क लिखा जो काफी फेमस हुआ, उस वर्क के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ. वो वर्क था ग्रेस अबाउंडिंग. फिर इसके बाद इनको 1672 में रिलीज कर दिया गया आफ्टर 12 ईयर्स. जब इनको रिलीज किया गया इस टाइम पर इन्होंने लाइसेंस ले लिया था. लाइसेंस लेने के बाद ये पैस्टोर बन गए थे. पैस्टोर क्या होते हैं, जो वीकली सर्मन्स देते हैं, ओके. तो ये पैस्टोर बन गए थे. लेकिन जब इन्होंने लाइसेंस लिया 1672 में जब ये रिलीज हुए उसके बाद जब इन्होंने लाइसेंस लिया उसके 3 साल बाद फिर से इनका लाइसेंस जो था वो कैंसिल हो गया, और लाइसेंस कैंसिल हो गया तो इनको फिर से प्रिजन में डाल दिया गया. अब इनको प्रिजन में डाला गया तो इन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पर काम किया, और 1688 में इनकी डेथ हो गई थी और इनको बनहिल्सफील्ड में बरी किया गया, बनहिल्सफील्ड, ठीक है. तो इतना इनके बारे में आपको जानना जरूरी है. अब इनके वर्क की बात कर लेते हैं. अब देखिए इनका जो फर्स्ट वर्क है ग्रेस अबाउंडिंग जो वर्क था ना वो तो इन्होंने जेल में रहकर लिखा था. इससे पहले भी इन्होंने कुछ गॉस्पेल लिखे थे, वो गॉस्पेल जो है वो इनका फर्स्ट वर्क है. तो 1656 में इन्होंने वर्क लिखा, इसकी इंक चली गई है, एक सेकंड में दूसरा पेन ले लेती हूँ. सम गॉस्पेल ट्रूथ ओपेंड, ओके. अब इन्होंने पहला वर्क ये लिखा, फिर सेकंड वर्क इनका आया द होली सिटी, और इसी का एक सब्स्टिट्यूट नेम है द न्यू जेरूसलम, जो कि इन्होंने 1666 में पब्लिश किया था. फिर इनका एक वर्क आया द ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स. वैसे आप सिर्फ इतना भी इसको याद कर सकते हो ग्रेस अबाउंडिंग तक, ठीक है. तो ज्यादा इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. फिर इन्होंने लिखा अ कन्फेशन टू माई फेथ, और इसी का एक सब्स्टिट्यूट नेम है A reason of my practice. The Pilgrim's Progress The Life एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680 द होली वॉर.
ये होली वॉर है, ये होली सिटी है, क्योंकि ये भी एक सिटी है ना, ठीक है। द होली वॉर 1682 में। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं और इन्हीं में से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एक बार इनके बारे में दोबारा से बात कर लेते हैं। 1656 जो कि इनका पहला वर्क रहा, जो इन्होंने 1656 के बिटवीन में इन्होंने पब्लिश किया था, सम गॉस्पेल ट्रूथ ओपेंड, ठीक है, सम गॉस्पेल ट्रूथ ओपेंड। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा द होली सिटी और द न्यू जेरूसलम, जो कि 1666 में इन्होंने लिखा था। फिर इन्होंने लिखा ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स इन 1667, अ कन्फेशन ऑफ माई फेथ, अ रीजन ऑफ माई प्रैक्टिस। ये सब्स्टिट्यूट नेम है, ये आपको नाम जरूर सब्स्टिट्यूशन के जो भी नेम दिए होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये लिखा गया था कुछ 1670 में, हाँ ये लिखा गया था 1672 में, बट आई एम नॉट श्योर, वो एक बार चेक कर लेना। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो 1678 में, और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680 एंड होली सिटी द होली वॉर जो कि 1682 में। आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, आप एक बार ये देख लेना, बट जहाँ तक है मैंने ठीक लिखा है इसका। एनीवेज, तो मैं आपको एक चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बताने वाली ये है, जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ना उसका ये कंपेनियन वर्क है। कौन सा? द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ये इनका कंपेनियन वर्क है। किसके बाद? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का कंपेनियन वर्क जॉन बनियन ने कौन सा लिखा था, दैट इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। तो थोड़ा सा मैं आपको पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि स्टोरी दो फॉर्म में स्टोरी लिखी गई है। फर्स्ट में क्या लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो इसका प्रोटेगनिस्ट है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन, वो एक पिलग्रिमेज पर जाता है और वो जाना चाहता है सेलेस्टियल सिटी में। और उस टाइम पर जब वो अपनी जर्नी को पार कर रहा होता है, ही फेसेस सो मैनी डिफिकल्टीज, और उन्हें बहुत सारे एलिगोरिकल पर्सनेजेस मिलते हैं, जैसे कि मिस्टर फेथफुल, ट्रूथफुल, और भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और किस तरीके से ये जब जर्नी पर जा रहे होते हैं क्रिश्चियन, और इनको जर्नी पर बीच में बहुत सारी डिफिकल्टीज, लाइक ही फेसेस सो मेनी डिफिकल्टीज एंड ही हाउ ही हैंडल्स देम, इसके बारे में बात की गई है कि ये हैंडल कैसे करते हैं उन डिफिकल्टी को विद फोर्टिट्यूड एंड विद सम करेज, तो वो बताया गया है। और जो दूसरी स्टोरी है उसमें बताया गया है सेम जर्नी, इनकी जो वाइफ होती हैं, जो प्रोटेगोनिस्ट हैं क्रिश्चियन, उनकी जो वाइफ होती हैं वो और उनके सन जब सेम जर्नी पर जाते हैं सेलेस्टियल सिटी पर, तो उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसकी ना आप एक प्रॉपर समरी देख लेना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनकी समरी वगैरह डाली हुई होगी, तो आप एक बार वो देख लेना, और या फिर आपको विकीपीडिया और इन सब पे मिल जाएगी। और द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन इसका कंपेनियन है, प्लस जो इसमें बात होती है वो डायलॉग डिलीवरी है। इसमें दो कैरेक्टर हैं जो सिन एंड रिडेम्पशन पर बात करते हैं, तो उसके बारे में ये वर्क है। और फिर है होली वॉर और ये सब, ये वर्क आपको याद रखने हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की तो आपको प्रॉपर समरी याद होनी चाहिए, एंड लाइक जो कैरेक्टर के नेम है वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे एलिगोरिकल जो पर्सनोलॉजीज इनको मिलते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उनके बारे में पूछ लेंगे कि जो इसका प्रोटेगोनिस्ट है वो किस किस एलिगोरिकल ओम से मिलता है, ठीक है, ओके। फिर है द होली वॉर, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम ही याद रख लेना। जो किपलिंग थे उन्होंने जॉन बनियन के लिए कहा द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, ऑल्दो ही वॉज नॉट और क्रिएटर ऑफ इंग्लिश नोवेल। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इंग्लिश नोवेल के फादर नहीं थे, लेकिन इनके लिए ये जो लाइन है वो यूज़ की थी किपलिंग ने, तो किपलिंग ने ही कहा था इनको फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट ही वॉज लाइक डिसाइडली अ पायोनियर ऑफ इंग्लिश नोवेल, लेकिन ये क्रिएटर नहीं थे। बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जॉन बनियन के बारे में किसने कहा था, ये कहा था किपलिंग ने। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जब जॉन बनियन के बारे में फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल की बात होगी तो वो कहा था किपलिंग ने, अदरवाइज ये इनके इंग्लिश नॉवल के फादर नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो जॉन बनियन का टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। जो भी रेस्ट राइटर्स बच चुके हैं उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरीज होती है,
लाइक आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं डीएम करके, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अगर सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आपके एग्जाम में अगर वो हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।